भारत और वेस्टइंडीज के बीच लंबे दौरे से पहले भारतीय टीम में कई खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है। कई युवाओं की चमकी है किस्मत, जिसके चलते भारतीय टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है। लेकिन आपको बता दें, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक खिलाड़ी, जो अभी कुछ दिन पहले अभ्यास भी करते हुए नजर आए थे, वह भी एयरपोर्ट पर देखे गए और उनके साथ संजू सैमसन को भी देखा गया एयरपोर्ट पर, जो कि वेस्टइंडीज के लिए रवाना हो चुके हैं। वेस्टइंडीज के साथ इस दौरे पर हमारी टीम दो टेस्ट मुकाबले खेलेगी, उसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद पांच मैचों की T20 सीरीज वेस्टइंडीज के साथ खेलने वाली है। भारतीय टीम के स्क्वाड में हर फॉर्मेट के मुताबिक खिलाड़ियों को जगह दी गई है। टेस्ट में अलग, वनडे में अलग और T20 में कुछ युवा खिलाड़ी जैसे कि रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और मोहसिन खान जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, पुराने कुछ खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया को एक नई मजबूती मिलेगी। जसप्रीत बुमराह का अनुभव और गेंदबाजी में वह टेस्ट भी हो जाएंगे जो कि भारतीय टीम करना चाहती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह का टीम में खेलना बेहद जरूरी है। तो वही संजू सैमसन की भी इस खेल का फिर एक बार पता लगेगा, क्योंकि ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में हो सकता है वर्ल्ड कप के अंदर उन्हें जगह मिल जाए, क्योंकि दिनेश कार्तिक को पिछले बार 2019 में इंडिया में जगह दी गई थी तो वह कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। वैसे आप सभी को क्या लगता है, वेस्टइंडीज दौरे पर कौन सी टीम इस दौरे पर जीतेगी, भारत या फिर वेस्टइंडीज, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।